तो दोस्तों फाइनली अक्षय कुमार का मच अवेटेड मूवी जो सूर्यवंशी रिलीज हुआ था, तो एक हफ्ता पूरा के पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन 7 दिनों में क्या रिकॉर्ड बनाए हैं, टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना किया है, वही दोस्तों इसी वीडियो आप लोगों को बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना। और दोस्तों गोपाल के रिव्यू यूट्यूब चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल करके रखना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में जो मूवी बना था सूर्यवंशी, इसमें अक्षय कुमार के अलावा कैटरीना कैफ, जैकी श्रॉफ भी काफी सारे टैलेंटेड कलाकार था, उसके साथ साथ रणवीर सिंह, अजय देवगन भी थे, ठीक है, इन दोनों का कैमियो देखने को मिला था। तो जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था दोस्तों इस मूवी में। तो टोटल पहला दिन से लेकर 7th डे तक कितना कलेक्शन हुआ है आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला दिन जो फ्राइडे में 26 करोड़ 29 लाख, सैटरडे में 23 करोड़ 85 लाख, संडे में 26 करोड़ 94 लाख और मंडे में 14 करोड़ 51 लाख, उसके बाद ट्यूजडे में 11 करोड़ 22 लाख, वेडनेसडे में 9 करोड़ 55 लाख और थर्सडे में 8 करोड़ 30 लाख, टोटल दोस्तों 67 लाख दोस्तों कलेक्शन हुआ है इंडिया से। इंडिया से ही 120 करोड़ का ऊपर कलेक्शन कर लिया है अक्षय कुमार का। यही है पहला मूवी जो पहला 7 दिनों में इतना अच्छा कलेक्शन हुआ है, आफ्टर पेंडेमिक ऐसा हुआ है। ये इस साल का शायद सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर होने वाला है बॉलीवुड मूवी का। और दोस्तों ओवरसीज को अगर जोड़ दे जाए तो 34 करोड़ तो 6 दिनों में हो गया था, तो मान के चलो 36-37 करोड़। तो उसके साथ दोस्तों अगर आप जोड़ देते हैं ओवरसीज का कलेक्शन, तो 150 करोड़ प्लस, कम से कम 150 से 160 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा ओवरसीज और इंडिया को मिला के। और इसका ग्रॉस कलेक्शन 180 करोड़ का आसपास टोटल हो जाएगा। मतलब दोस्तों इस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर यही है, जो आफ्टर पेंडेमिक कितना अच्छा कलेक्शन होगा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ये पेंडेमिक नहीं होता तो ये मूवी पहला हफ्ते में ही 200 करोड़ का कलेक्शन करता, कम से कम 200 करोड़। तो आप लोग को क्या कहना है इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखने के बाद कमेंट में बताना दोस्तों। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय।